नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनोटेक चैनल। देखिए, टॉयलेट में बाथरूम वाला एरिया है और यहाँ पे मैं आज आपको फ्लोर माउंट डब्ल्यू से इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, यानी कि कम्बाइंड कमोड जो लगेगा ना वो यहाँ पे लगेगा। और इस केस में देखिए, यहाँ पे पॉइंट जो है पहले प्लम्बर गलत बनाया था, एकदम बिल्कुल पीछे टच करके बनाया था वहाँ पे। अब जो है सुपर साइक्लोनिक कमोड है 220 mm में, लेकिन ये जो पॉइंट है 6 इंच पे था तो इसको मैं 3 इंच आगे किया। देखिए यहाँ पे एडजस्टर लगा के ऑफसेट बोलते हैं इसको, उसके जरिए अब यहाँ पे पॉइंट मेरा बिल्कुल सही है। इसको मैं रखा हूँ पूरा परफेक्ट जो है 230 mm पे, यानी कि 9 इंच पे रखा हूँ, तो यहाँ पे कमोड अब इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से पहले तोड़ के आपको इसको फिक्स कर लेना है। इसको मैं एक दिन पहले ही फिक्स कर दिया था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैप था और ये हिल रहा था, ठीक है, तो सेट नहीं हो रहा था। तो अब मैं आपको बताऊँगा आगे का प्रोसीजर कि किस तरह से इसको आप फिट करेंगे। देखिए प्लम्बर बहुत सारी गलतियां यहाँ पे किया था। ये देखिए, ये जो है फ्लश का पॉइंट है जो कि जो कमोड लग रहा है उसके पीछे जा रहा है, कबर्ड हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको मैं स्टॉप कर दिया। और ये कंसील के जरिए जिट को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे पॉइंट दिया है, दे रखा है, नीचे कर दिया है। लेबल वगैरह कुछ पता नहीं था तो वहाँ पर 2-way एंगल कॉक लगेगा और ये हेल्थ फ्यूसेट का है। और इधर बाथरूम वाला एरिया स्टार्ट होता है, बिल्कुल अभी नया फिटिंग किया है तो उसको मालूम नहीं था। वाल मिक्सर की जगह डाइवर्टर दिया होता, जेक्वार का या फिर अदर ब्रांड का 5-way। तो ये वाल मिक्सर के साथ में जो ये एक टैप लग रहा है ना, और ऊपर जो कंसील लग रहा है शावर में जो फ्रेश वाटर है उसको भेजने के लिए लगाया है। देखिए ये शावर है और ये कंसील इसलिए लगाया है ताकि जो है मोटर का पानी ऑन ऑफ करके शावर में दिया जा सके। इसकी ज़रूरत नहीं थी अगर डाइवर्टर होता तो, ना इसकी ना इसकी ना इसकी। देखिए कितने खर्चे हो गए, डाइवर्टर से महंगा पड़ गया इनका, ठीक है। तो जो नए प्लम्बर होते हैं ना यही गलतियां करते हैं। और ये देखिए, ये टेबल टॉप बेसिन है या फिर ये अलमारी है, अलमीरा लग रहा है, देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया है इसको, जो है ये 40 इंच ऊपर किया है, जबकि ये जो है ये होता है 32 इंच पे, मैक्सिमम जो हाइट है वो 34 इंच होता है, ठीक है, लेकिन इसको 40 इंच पे किया है। तो चलिए फिलहाल अभी कमोड इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा। देखिए प्लम्बर कंपनी का है ये, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा ब्रांड को ही चूज करें। देखिए हिंदवेयर आप चूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा आपके लिए, ये प्लम्बर का है। तो अभी इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे सबसे पहले कमोड को उठा के रखना होगा, लीकेज चेक करेंगे, उसके बाद इसका मार्किंग करेंगे। लेकिन कमोड का जो मॉडल है वो दिखाता हूँ सबसे पहले मैं नीचे आपको। देखिए बैक साइड से इसका लुक ये है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्रैप, इसका एस ट्रैप है, सुपर साइक्लोनिक है। देखिए ट्रैप का मॉडल आप देख लीजिए। अब सुपर साइक्लोनिक कमोड जो है, देखिए एक आता है 300 mm में और एक जो है वो 220 mm में। तो इसको ये नया है 220 mm में बनाया है। साइक्लोनिक कमोड पहचान करने का तरीका ये है कि इसके नीचे एक होल मिलेगा आपको, ये देखिए ये जो होल दिख रहा है आप, देखिए होल दिख रहे हैं ना, ये वाला होल। तो ये जो होल है इससे वैक्यूम क्रिएट होता है, इसमें जब कोई फ्लश करेगा तो पानी पहले हल्का सा ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद ये जो होल दिख रहा है आगे इस तरह से सक करेगा, कचरा वैक्यूम क्रिएट होता है, कचरा एक ही झटके में पूरा ये सक करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो है जो पॉइंट है उसके नीचे अगर कोई भी कागज़ का या फिर कोई भी टुकड़ा आ गया तो वैक्यूम इसका तुरंत फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जब तक ये काम करेगा ना बहुत अच्छी तेज़ी तरह से कचड़े को सक करता है। देखिए प्लट दिया मैं, नीचे से इसका मॉडल कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप। देखिए ट्रैप यहाँ पे दिख रहा है और ये इसका जो है ये वेस्टेज आउटलेट है, 75 mm का है, जो नॉर्मल होता है वो 110 mm होता है। चारकोल मिला है साथ में, स्क्रू मिला हुआ है फिक्स करने वाला, अभी चारकोल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए कमोड को उठा के वहाँ पे रखूँगा मैं सबसे पहले। और देखिए चारकोल इसका ये वाला दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये कवर किया है पेपर से ताकि जो है लीक ना करे, लेकिन हमें चारकोल की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे वाशर पहले ही दे रखा है ताकि पानी लीक ना करे। चलिए कमोड को उठा के यहाँ पे अब रखना होगा, एक आदमी रखेगा, हाँ छोड़ दो। देखिए कमोड को उठा के पॉइंट पे रख दिया हूँ मैं। अब ये सही जगह पे रखा हुआ है या फिर नहीं रखा है, इसमें सबसे पहले पानी डाल के लीकेज को चेक करना है, पूरा भरपूर पानी डालेंगे 10 से 12 लीटर लीकेज को चेक करना है। अगर हल्का भी लीकेज हुआ तो फिर सेट करेंगे, देखेंगे क्यों लीक हो रहा है, क्योंकि अगर लीकेज हुआ ना तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये तकलीफ देगा, प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर गंदगी फैलेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, अच्छी तरह से लीकेज को सबसे पहले चेक करना है।
देखिए पानी भर रहा हूँ यहाँ पे मैं लीकेज को चेक करने के लिए। ऐसे डालोगे ताकि बाहर ही गिर जाए। देखिए पूरा पानी डाल दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से चेक करेंगे साइड में कहीं भी लीकेज नहीं है। देखिए हाथ लगा के देखना है, देखिए बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, कहीं भी लीकेज नहीं है। ये जो पानी गिरा है ऊपर से अभी जब ये डाल रहा था तब गिरा हुआ है। तो लीकेज चेक करने के बाद अभी यहाँ पे देख लिया आपने, यहाँ पे लीकेज बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पे मार्किंग करेंगे, पीछे दो होल दिया है इसको टाइट करने के लिए, और साइड मार्किंग प्लस वो होल करने वाला। अब यहाँ पे मार्किंग करना होगा, जब ये बिल्कुल सही जगह पे सेट हो जाए तभी मार्किंग आपको करना है। देखिए कमोड को उठा के रख दिया वापस दोबारा मैं। अब यहाँ पे इसको टाइट करने से पहले, सबसे पहले जो है यहाँ पे फिर से दोबारा पानी डाल के लीकेज को चेक करना है, और अगर लीक नहीं होता है तो फिर इसको टाइट करेंगे। देखिए डाल दिया पानी पूरा, देखिए कहीं भी लीकेज यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। चारों साइड से लीकेज को चेक करना है। देखिए अब लीकेज नहीं है ये, तो अब जो स्क्रू है ना वो टाइट कर सकते हैं हम लोग। और ध्यान रहे इसके नीचे, देखा आपने किसी भी तरह का मैंने सीमेंट या फिर वाइट सीमेंट कुछ नहीं लगाना है। अगर कोई लगाता है नीचे तो सीट जो है क्रेक हो जाएगा, या फिर दोबारा अगर आपको कहीं पे निकाल के रिमूव करके दूसरी जगह पर इंस्टॉल करना है तो भी प्रॉब्लम करेगा। ये ध्यान रहे नीचे किसी भी तरह का सीमेंट वाइट सीमेंट नहीं लगाना है, दो स्क्रू पर फिट करना है। इसका जो वेट है ऐसे ही ऑलरेडी जो है ये 25 से 30 केजी का होता है, तो काफ़ी ज़्यादा वेट है, ये हिलेगा नहीं। ठीक है अब स्क्रू को टाइट करेंगे। देखिए कमोड यहाँ पे पूरी तरह से फिक्स हो गया है, स्क्रू भी इसका मैं टाइट कर दिया, दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे बारी है जिट को फिट करना, उसके बाद इसका जो कवर है ना वो यहाँ पे इंस्टॉल करना। बताऊँगा किस तरह से आप जिट को और कवर को फिट करेंगे। पहले स्क्रू को आप देखिए पीछे मैंने टाइट कर दिया है। देखिए यहाँ पे इसको रिश्ते से टाइट कर देना है, जगह कम होता है तो छोटा वाला जो इसको ड्राइवर है ना इस टाइप का, इससे आप टाइट करेंगे टाइट हो जाएगा, जगह वहाँ पे कम होता है। और यहाँ पे वाल जो है तिरछा था, वाल बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देखिए नीचे वाला जो ये पोर्शन है ये टच है, और ऊपर देखिए यहाँ पे गैप है, ये 90 डिग्री पर नहीं खड़ा है दीवार, इसलिए ऐसा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे जिट को लगाना और कवर को फिट करना सिखाता हूँ मैं आपको। देखिए कवर इसका ये है प्लम्बर कंपनी का, जो यहाँ पे कमोड है वो है ये, देखिए ये हाइड्रोलिक कवर है। और इसका जो बेस है, सबसे पहले बेस को फिट करना होगा। ये देखिए बेस को फिट करने के लिए ये वाला यहाँ पे नट बोल्ट दिया है पीवीसी वाला। देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरह से आपको डालना है, और ये दरअसल बताता हूँ कैसे ये काम करता है। जब इसको हम लोग टाइट करेंगे ऊपर ये इस तरह से दबाव बनाएगा, खींचेगा तो ये फूल जाएगा, अंडे के जैसा फूल जाएगा, और यहाँ पे जो होल है कुल मिला के इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये वापस रिटर्न नहीं आएगा। देखिए इसको इस तरह से डाल देना है यहाँ पे। डाल दिया, अब यहाँ पे जिट को रखेंगे। देखिए इसका जिट ये वाला है, और यहाँ पे देखिए ये पीवीसी गार्ड दिया हुआ है, यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि जो है यहाँ पे सीट के ऊपर दाग ना लगे, स्क्रेच ना लगे, इसलिए यहाँ पे ये दिया है। ये गार्ड को आपको लगा लेना है इस तरह से। अब क्या आपको चेक करना है कि डायरेक्शन में भी आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से पकड़ भी सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही लगाने वाला हूँ कि डायरेक्शन में। उसके बाद आप देखिए ये जिट है, इसको आप इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, देखिए ऐसे। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से आप पलट सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि पाइप मेरा बड़ा है तो लटकेगा, इसलिए इसको मैं पीछे से घुमा के लेके जाऊंगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इस तरह से। देखिए ये पीछे से जाएगा तो पाइप भी लटकेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि अगर यहाँ पे पाइप लटकता है पैर से टकराता है वो गंदा दिखता है। देखिए जिट को रखा, उसके बाद अब ये बेस है, बेस में देखिए ये वाला ब्रेकेट है ये यहाँ पे लगेगा,
अब ये देखिए इस तरह से आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। और स्क्रू को यहाँ पे डालने के बाद देखिए, अब ये यहाँ से इस तरह से आगे पीछे हो रहा है और ये यहाँ पे लेफ्ट राइट होगा दाएं बाएं, देखिए एडजस्ट करने के लिए। ये ध्यान रहे, अब ये गलत लग रहा है, ये वाला जो लॉक है ना ये हमेशा पीछे जाएगा उस साइड, इस तरह से। और ये उल्टा नहीं लगाना है, ये वाला देखिए ये नीचे जाएगा और ये इस तरह से ऊपर आएगा। कवर का जो लॉक होगा ये इन सब लॉक में आके फंसेगा। देखिए टाइट करेंगे इसको, देखिए इसको मैं टाइट कर दिया, इसका बेस टाइट हो गया है। और पहले ही रख के आपको चेक कर लेना है, उस हिसाब से टाइट करना है, पूरा फुल टाइट नहीं करना पहले। अब देखिए लॉक करने का सिंपल तरीका, ये देखिए यहाँ पे गियर दिया हुआ है, गियर है ना, इसमें जाके ये लॉक हो जाएगा। अब सिंपल देखिए यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और इसको पीछे की तरफ ये ढकेलना है, प्रेस करना है, ये देखिए लॉक हो गया। अब अगर वापस आपको निकालना है तो देखिए यहाँ पे छोटा सा लॉक दिया है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला लॉक, फिर इधर करेंगे तो ये अनलॉक होगा, उसके बाद इसको खींचेंगे तो ये निकलेगा, देखिए ये निकल रहा है, अभी पूरा टाइट नहीं था इसलिए ये आगे आया, तो यहाँ से ये लॉक अनलॉक होगा। देखिए कवर लग गया पूरी तरह से, लग चुका अभी। और यहाँ पे ये देखना है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए इसके लेवल में, आगे पीछे या फिर ये ना ज़्यादा आगे होना चाहिए और ना ही ये ज़्यादा अंदर होना चाहिए, अभी ये बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो ये फ्लस का है ना, ये वैक्यूम वाला कमोड है, वैक्यूम कैसे यहाँ पे बनता है और फ्लस का लेवल आप कैसे सेट करेंगे। कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि रात भर में मेरा टंकी खाली हो जा रहा है, या फिर ये जो टॉयलेट सीट आप देख रहे हैं इसमें लगातार पानी गिर रहा है, तो वो सब क्यों गिरता है और उसको आप कैसे सेट करेंगे, इसका लेवल आप कम ज़्यादा कैसे करेंगे।